ओहो आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, क्या हाल है भाई? है मुंडा तो आ गया भाई, बैग शैग लेके है? 350 तुझे बढ़िया भेज रहे हैं। हाँ आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, क्या हाल है? हाँ क्या हाल है तेरे आयुष्मान भव? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग आ गए हैं घर में और आज हमारे घर में एक फंक्शन। तो बस अभी सुबह से जो है ना फंक्शन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, लोग आना जाना शुरू हो चुके हैं, रिश्तेदार और बाहर जो है क्या क्या चल रहा है। चलिए आपको मैं बाहर ले चलती हूँ और खुद ही दिखाती हूँ कि बाहर जो है ना क्या क्या चल रहा है। और हमारे यहाँ का जो ये फंक्शन है वो मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ, इस फंक्शन में क्या क्या होने वाला है और किस चीज़ का फंक्शन है वो तो फ्रेंड्स आपको आगे ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो पूरी देखें लास्ट तक, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बाहर जो है क्या क्या चला हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कामे भाई आ चुके हैं और ये देखिए कद्दू पेठू की छिलाई का काम जो है चल पड़ा है। राकू भाई हाय हेलो तो करो। ये देखिए हमारे राकू भाई और ये मेरे चाचा जी, ये देखिए मेरे जीजा जी और ये हमारे अंकल जी। तो यहाँ तो हो रहा है कद्दू पेठू की छिलाई का काम और भाई जी कर रहे हैं मंदिर में पूजा और मौसम आज काफ़ी अच्छा है। और चलिए अब चलते हैं रसोई की तरफ। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो है, ये देखिए हमारे भोटी जी और यहाँ पर बन रही है हमारी रसोई। और आज फर्स्ट टाइम जो है ना हमारी रसोई बन रही है गैस के ऊपर, वैसे तो हम ट्यून में ही बनाते हैं। और ये देखिए क्या क्या बन रहा है आज। अच्छा चलो ठीक है, तो अभी हमारी रसोई जो है तैयार हो रही है, जब बन जाएगी तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या बन रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए फ्रेंड्स, कद्दू का साइज कितना बड़ा कद्दू है। भाई बीज वगैरह रख देना, जिस किसी को बीज चाहिए होंगे वो सारे बीज ले जाएंगे यहाँ से। नहीं बाबू बीज आई ना रखी दिया मैं, जो चाहिए फिर बीज और साई वाले दे दिया, कहीं से जो वेस्ट बच गए थे ना एक ही साइड रख दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हो गई है पूरी तैयारियाँ और चलिए जी बड़मा बिखानी एक गोली राय तेरी। हाँ जी नमस्कार। ये देखिए ये है मेरा भतीजा जिसके बेटे की फंक्शन है ना। ठीक है बढ़िया उन तबियत ठीक ही। तो ये है मेरे चाचा ससुर एंड चलिए रसोई में चलते हैं अब। ये देखिए ऋषि तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने बैठ गया और यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट। ये चटनी आलू चने तो ये बन चुका था खाना। और यहाँ पर देखिए ना ऋषि सबको ना ब्रेकफास्ट करवाने में लगा है। तो जब भी घर में इस तरह के फंक्शन होते हैं ना बच्चे बहुत ज्यादा काम करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ तो बन रहा है देखिए ब्रेकफास्ट और अभी नहीं कर अभी मैं आ रही हूँ तब। तो एक घर में तो मैं जाके आ गई, अब चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे घर में। तो और दूसरे घर में देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ता है ना। ये देखिए हाँ जी ये देखिए फ्रेंड्स वो मुनियो तैयार नहीं होती दूसरे। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये देखिए कुछ इस तरह का ये है लुक। और बस अब जा रहे हैं, अब आने वाले हमारे नाते, तो चलिए आपको मिलाते हैं अपने नातों।
यहाँ पर जो है ना हमारे नाते आए थे, एक्चुअली जिस भांजी की हम लोगों ने शादी की थी ना उसके ससुराल वाले फर्स्ट टाइम हमारे घर में आए हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आते हैं हमारे यहाँ तो उस तरह से मिलनी की जाती है, तो बस वही मिलनी यहाँ पर हो रही है। एंड उसके बाद ना फिर जो कुड़मनी होती है यानी कि बेटी की सास, उसको इस तरह से हाथ से पकड़ कर जो है ना अपने घर के अंदर ले जाया जाता है, और साथ में जो उनके साथ और उनके रिश्तेदार आए होते हैं, दरानियाँ जेठानियाँ वगैरह जो भी आए होते हैं ना, उन सबको जो है साथ में अपने घर के अंदर लिया जाता है। इस तरह से ना हमारे यहाँ पर किया जाता है मिलने का फंक्शन। तो ये हमारी भांजी जिसकी अभी हमने शादी की थी और ये हमारे जवाई हैं। रसाते जो रखेगी बनाए। तो ये देखिए, ये है मेरी सासू माँ, मेरी चाची सास और मेरी ननन। तो ये आगे जो उतर है ना, ये मेरी सासू माँ है, पीछे ये चाची सास और ये ननन। तो भाई कोई भी फंक्शन हो ना पूरी रौनक लगा रखी है, और मेरे नाते आए हुए थे ना तो उनके लिए वेलकम सॉन्ग इन्होंने देखिए कितना अच्छा गाया था। तो बस इनको लेकर आ गए थे हम लोग घर के अंदर, और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो भाई मेहमानों को पानी पूछना पड़ता है ना, तो इतने दूर से आए हैं और गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए सबसे पहले देखिए नीरज ने सबके लिए पानी लेकर आ गया है यहाँ पर। सबसे पहले पानी पिलाने के बाद अब देखिए यहाँ पर जा रहे हैं राकू भैया जूस लेकर सबके लिए। तो नाते आए हैं तो भाई उनकी अच्छी खासी आदर खातर भी करना पड़ेगा यार। नाते क्या, सभी की हम लोग ना इसी तरह से अच्छी खासी आदर खातर करते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं ना, तो बस वही परंपरा यहाँ निभाई जाती है। और जूस देने के बाद ना फिर इनके लिए चाय और रिफ्रेशमेंट भी हम लोगों ने कर रखी थी। तो भाई देखिए ये जो सारी चीज़ें थी ना इसकी अरेंजमेंट में नीरज ऋषि और राकू भैया को लगा रखा था कि वो जो है ना पूरा इनका इंतजाम जो है ना देख लें। और हम लोग तो यहाँ पे बैठे थे और अम्मा जी ने ना इनका वेलकम कैसे किया, क्या क्या किया, चलिए वो खुद ही देख लीजिए, सुन लीजिए। तू तो भी ले लेनी थी अम्मा, चाय पी लेनी थी, चाय तो पी लेनी थी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। तो अगर इंजॉय किया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये तो पूरे फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट था, एक बीच का छोटा फंक्शन, बाकी का तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग इन्जॉय कीजिए, हम लोग मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।